हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए करेला आलू फ्राई की रेसिपी लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिया है हमने बताते हैं। हमने ले लिया है मीडियम साइज़ का एक आलू, एक प्याज लिया है बारीक काट लिया है, करेला लिया है उनको लंबे टुकड़े में काट लिया है, आप चाहें तो राउंड शेप में अपने किसी भी पसंद के अनुसार काट सकते हैं, एक टमाटर लिया है और लहसुन ले लिया है 8 से 10 कलियाँ। इधर हमने पैन चढ़ा दिया है, हमने गैस पहले से जला रखी है। अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल, तेल को गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे हम 1/2 चम्मच जीरा, 2 से 3 चुटकी के करीब हींग डाल देंगे, ये लहसुन डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, मीडियम फ्लेम पे ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे। साथ में इसी में हम ये करेला और आलू भी डाल देंगे, अच्छे से मीडियम फ्लेम पे इसको हम भून लेंगे। अच्छे से भून लिया है करेले और प्याज आलू को। अब इसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें। साथ में टमाटर ऐड कर देंगे, 1 मिनट तक इसको फिर साइड भून लेंगे। टमाटर में पानी छोटा है, इसे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 मिनट तक ढककर इसको लो फ्लेम पे पका लेंगे। 20-20 में खोल कर चलाते रहेंगे। कुछ देर के लिए और ढक देंगे। खोल के देखते हैं, सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। करेला आलू बनकर बिल्कुल तैयार है, ये देखिए, बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से और झटपट बन जाती है। खासकर टिफ़िन के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। इसको दाल चावल पूरी पराठे किसी के साथ भी ले सकते हैं। इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।